क्रिटिक्स का क्रिटिक। मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा। ऑडियंस की आंखें खोल, उनका टेस्ट अपग्रेड कर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि चुप मूवी अपने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, और साथ ही साथ चुप मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि चुप मूवी, जिस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, इस मूवी को अच्छी खासी ओपनिंग मिली 23 सितंबर के दिन, क्योंकि उस दिन टिकट के प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम थे। उस दिन सिनेमा डे था, इसी कारण टिकट के प्राइस जो कि 75 रुपये ही थे, और उस दिन जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से पब्लिक की भीड़ जो कि थिएटर में उमड़ी थी, और चुप मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला। आप लोगों को बता दें कि चुप मूवी में आप लोगों को सनी देओल और पूजा भट्ट बहुत ही लंबे समय के बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आए हैं। हालांकि अभी तक जो कि इतने लंबे समय के बाद जो कि पूजा भट्ट और सनी देओल एक साथ किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए, फाइनली चुप मूवी में जो कि आर बाल्की ने इन दोनों को एक साथ काम करा ही लिया। दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि इसमें आप लोगों को श्रेया धन्वंतरी, दुलकर सलमान जैसे एक्टर नजर आए हैं। श्रेया धन्वंतरी और दुलकर सलमान की इसमें आप लोगों को जोरदार तरीके केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी जोरदार और शानदार तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि दुलकर सलमान की बहुत ज्यादा ऑडियंस तारीफ कर रही है, और साथ ही साथ ये एक नए एक्टर है जो कि बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जिसके कारण और भी ऑडियंस खुश है, क्योंकि दुलकर सलमान ने क्योंकि उस कैरेक्टर में जान डाल दी जिस कैरेक्टर में दुलकर सलमान चुप मूवी में हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि चुप मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन भी किया बॉक्स ऑफिस पर, और यह फिल्म जो कि मात्र 10 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, और इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया और जोरदार और शानदार तरीके से कोई सी बॉलीवुड की फिल्म आई और जिसे पब्लिक ने पसंद किया। हालांकि कुछ समय से बॉलीवुड की फिल्मों को बहुत ही ज़्यादा बायकॉट कर रही है पब्लिक, और साथ ही साथ देखना भी नहीं पसंद कर रही है। फाइनली सनी देओल की फिल्म चुप मूवी को ऑडियंस प्यार दिखा रही है और देखना भी पसंद कर रही है। बात कर लेते हैं चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताइए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी जोरदार और दमदार तरीके से इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन अच्छी खासी ओपनिंग ली, और इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपया का कारोबार किया। वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 1,70,00,000 का कारोबार किया, और तीसरे दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपया का कारोबार किया। आप लोगों को बताइए चले कि इस फिल्म ने चौथे दिन 85,00,000 का कारोबार किया, और जोरदार और दमदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी किया। हालांकि कुछ बायकॉट गैंग थी, उनका मुंह बहुत ही जोरदार तरीके से बंद किया सनी देओल ने, और सनी देओल की भी इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा तारीफ करी गई है, क्योंकि उनका इस फिल्म में जो कि एक पुलिस वाले का किरदार है, और वो किरदार बहुत ही दमदार है। दोस्तों, आप लोगों को बताइए चले कि चुप मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर टोटल 14,60,00,000 का कारोबार कर लिया है, और यह फिल्म अपने आज ही दिन कम से कम दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि 80 से 95 लाख का कारोबार कर रही है, और ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चुप मूवी देखी है तो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।